क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो मोमो नूडल्स मैगी या फिर वो चीज़ जो मैदे से बनी है वो खराब है, या फिर जो मैदा है वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता है और इसलिए अक्सर लोग मैदे को बुरा बताते हैं। मैदा बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। मैदा गेहूं से ही बना है, आटा भी गेहूं से बना है, मैदा भी गेहूं से मिला बना है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना सा है कि जो आटा है उसके अंदर फाइबर देखने को मिलता है एंड जो आपका मैदा है उसको रिफाइन करके उसके अंदर से फाइबर कंटेंट हटा दिया जाता है, जिसकी वजह जो मैदा का डाइजेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है और हाई होने की वजह से ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। तो चलो ठीक है, हम ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि जो मैदा है वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है और वो हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक करता है। सेम ही चीज़ अप्लाई होती है आपके फ्रूट जूस या फिर वेजिटेबल जूस के ऊपर। उनके अंदर से भी जो फाइबर होता है, मान के चलिए ऑरेंज मान लीजिए या फिर मौसमी मान लीजिए, जो फाइबर कंटेंट होता है फ्रूट का उसको बाहर निकाल दिया जाता है एंड आपके जूस में सिर्फ और सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट रह जाता है। एंड यू कैन से जो आपका जूस है वो भी बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और वो भी आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। सो अगर मैदा अच्छा नहीं है तो फ्रूट जूस या फिर वेजिटेबल जूस कैसे अच्छे हो सकते हैं? फ्रूट जूस, मैदा, वेजिटेबल जूस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही चीज़ें, तीनों ही चीज़ें आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कवर होती हैं। सो इंस्टेड ऑफ फ्रूट जूस और वेजिटेबल जूस आप होल फ्रूट को कंज्यूम कीजिए।